हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद निहल। तो फ्रेंड्स, हमने आर्थ्रोपोडा का जनरल करेक्टर और उसका क्लासिफिकेशन देखा। आज के इस वीडियो में हम प्राण के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। अगर प्राण की साइज देखें तो प्राण की जो साइज होती है वो 5 से लेकर के 90 सेंटीमीटर तक होती है। यानी कि प्राण जो होते हैं छोटे बड़े अलग अलग आकार के पाए जाते हैं। जो सबसे छोटा होता है वो 5 सेंटीमीटर का होता है, जो सबसे बड़ा होता है उसकी लंबाई 90 सेंटीमीटर तक देखी गई है। यानी इतना वेरिएशन होता है इनकी साइज में। फिर सेगमेंटेशन देखें तो इनका शरीर जो होता है वो 19 सेगमेंट में डिवाइड होता है। जैसे कि हमने बताया था, ये मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं। यानी चाहे कोई कितना भी बड़ा हो चाहे कितना भी छोटा हो, यानी जो 5 सेंटीमीटर का है उसकी बॉडी भी 19 सेगमेंट की बनी होगी, 19 सेगमेंट की। और जो 90 सेंटीमीटर का है उसकी भी बॉडी कितनी बनी होगी, 19 सेगमेंट की ही बनी होगी। फिर बॉडी डिवीजन देखें तो नॉर्मली क्या होता है कि बॉडी जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं उसमें हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन 3 भागों में बटा होता है। लेकिन प्रॉन में क्या होती है, बॉडी केवल 2 ही भागों में डिवाइड होती है, सिफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन। सिफेलोथोरैक्स जो होता है वो लार्ज होता है, रिजिड होता है, अनजॉइंटेड होता है। यानी ये सिफेलोथोरैक्स को अगर हम देखेंगे बाहर से भी या इसकी कवरिंग हटा करके ही देखेंगे तो हमें कहीं भी ज्वाइंट नहीं दिखाई देंगे। इसीलिए हमने कहा कि जो सिफेलोथोरैक्स रीजन होता है वो 13 सेगमेंट का फ्यूजन तो होता है, लेकिन उन 13 सेगमेंट के बीच में हमें कहीं भी ज्वाइंट दिखाई नहीं देते। 13 सेगमेंट क्या हो रहे, टोटली फ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए सिफेलोथोरैक्स जो होता है वो लार्ज होता है, रिजिड होता है और अनज्वाइंटेड होता है। इसमें सिफेलोथोरैक्स देखिए वो हेड और थोरैक्स का फ्यूजन होता है। हेड में 5 सेगमेंट होते हैं और थोरैक्स में 8 सेगमेंट होते हैं। यानी 13 सेगमेंट कहाँ होते हैं, सिफेलोथोरैक्स में होते हैं। 6 सेगमेंट जो होते हैं वो एब्डोमेन में होते हैं। इस तरीके से इसकी पूरी बॉडी कितने सेगमेंट की बनी होती है, 19 सेगमेंट की, जिसमें से 13 सेगमेंट का सिफेलोथोरैक्स बना होता है और 6 सेगमेंट का एब्डोमेन बना होता है। लेकिन एब्डोमेन में देखेंगे तो 6 सेगमेंट आपको साफ साफ दिखाई देंगे और उनके बीच का ज्वाइंट भी दिखाई देगा। और ये सेगमेंट क्या होते हैं, बेंट होते हैं, तो जिसकी वजह से हमें पूरा एनिमल क्या होता है वो कौमा के आकार के दिखता है। यानी इस तरीके से दिखता है। तो अब आइए क्या देखते हैं, इसमें एक्सटर्नल अपर्चर देखते हैं, कौन कौन से एक्सटर्नल अपर्चर यानी बाह्य छिद्र दिखाई देते हैं। तो माउथ अब सब में होगा, एनस सब में ही होता है। इसमें क्या होता है, एक रीनल अपर्चर होता है जो कि कॉक्सी ऑफ एंटीनी पे होता है। रीनल अपर्चर क्या होते हैं, जो स्केटरी सिस्टम होता है वो रीनल अपर्चर के द्वारा क्या होता है, बाहर खुलता है। और इसका जो सेगमेंट होता है, अभी हम देखेंगे कि जितने भी 19 सेगमेंट है हर एक सेगमेंट में क्या पाया जाएगा, एक पेयर अपेंडेजेस पाए जाएंगे यानी उपांग पाए जाएंगे। यानी जो इसके 19 अंग है, 19 सेगमेंट है, हर सेगमेंट में क्या होता है कि तैरने के लिए, चलने के लिए, दूसरे एनिमल्स को पकड़ने के लिए कोई ना कोई अंग पाए जाते हैं। तो ये जो लेटरल अंग पाए जा रहे हैं हर इसके सेगमेंट के दोनों तरफ, इसी को ही हम क्या नाम देते हैं, उपांग। तो 19 सेगमेंट होते हैं, हर एक सेगमेंट पे क्या होता है, एक पेयर अपेंडेजेज होते हैं। यानी टोटल इसमें क्या होता है, 19 पेयर अपेंडेजेज होते हैं, जिसमें से अपेंडेजेस कैसे होते हैं, जॉइंटेड होते हैं। यानी कई सेगमेंट के मिलकर के बने होते हैं। जैसे इसका जो वॉकिंग लेग है उसमें आप देखेंगे 7 सेगमेंट होता है, कॉक्सा, मीरस, इचियम। ऐसे ही एक सेगमेंट क्या होता है, एंटीना होता है। एंटीना पहला इसका, सॉरी पहला इसका अपेंडेजेज होता है और वह हर एक अपेंडेजेज क्या होता है, कई सेगमेंट का बटा होता है। तो जैसे एंटीना क्या है, एक अपेंडेजेज है, उस अपेंडेजेज का जो पहला सेगमेंट होता है या दूसरा सेगमेंट होता है वो क्या होता है, कॉक्सा होता है। और इसी कॉक्सा पर ही क्या होता है, रीनल अपर्चर होता है। दूसरा बात करें, फीमेल जेनाइटल अपर्चर होता है वो भी कॉक्सा पे होता है, थर्ड वॉकिंग लेग के। स्टेटोसिस्ट ओपनिंग की बात करें तो प्री कॉक्सा पे होता है, आप एंटीन्यूल पे। इसके जस्ट बाद ही हम यही देखने वाले हैं कि एंटीन्यूल क्या होता है, एंटीना क्या होता है, वॉकिंग लेग क्या होते हैं। लेकिन आपको ये ओपनिंग याद रख लेनी है कि ये ओपनिंग कहाँ पाए जाते हैं। तो ये ओपनिंग सेगमेंट मन ना पाए जाएंगे, सेगमेंट से जो अपर्चर, सेगमेंट से जो अपेंडेजेज निकलते हैं उन पे पाए जाते हैं। और अपेंडेजेज जो होते हैं उसमें कई खंड होते हैं, तो ये अलग अलग खंडों पे पाए जाते हैं। कोई प्री कॉक्सा पाया जाता है, कोई कॉक्सा पाया जाता है, कोई एंटीना पाया जाता है, कोई एंटीन्यूल पे, कोई वॉकिंग लेग पे।
तो लेकिन ये चीजें आपको रटी होनी चाहिए कि कौन सा अपर्चर किस सेगमेंट की, सॉरी किस अपेंडिजेस के किस सेगमेंट पे पाया जा रहा है। तो यहाँ तक हमने देख लिया इसकी स्टर्न मॉर्फोलॉजी में, इसका साइज देखा, सेगमेंट देखा, बॉडी डिवीजन देखा और कौन कौन से अपर्चर पाए जाते हैं वो देखते हैं। और अगर इसकी स्केल्टन की बात करें तो इसका बॉडी जो है वो कैल्शियम के बने सेल से ढका होता है, तो इसमें एंडो स्केल्टन नहीं पाया जाता, एक्जो स्केल्टन पाया जाता है जो कि किसका बना होता है, कैल्शियम का बना होता है या फिर काइटिन का बना होता है। तो अब आइए अपेंडेजेस के बारे में ही देखते हैं कि इसमें अपेंडेजेस कौन कौन से होते हैं। तो जैसा कि कहा हमने 19 पेयर होते हैं, क्योंकि हर एक सेगमेंट में क्या होता है, एक पेयर होता है। जैसे हमने बॉडी को बांटा सिफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन में, ऐसे ही अपेंडेजेस बटे होते हैं, सिफेलिक अपेंडेजेस, थोरैसिक अपेंडेजेस और एब्डोमिनल अपेंडेजेस। तो आइए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सिफेलिक अपेंडेजेस देखते हैं, यानी सिफेलिक रीजन में कौन कौन से अपेंडेजेस पाए जाते हैं, फिर थोरैसिक देखेंगे और फिर एब्डोमिनल देखेंगे। तो सिफेलिक रीजन यानी कि हेड रीजन जो कि 5 सेगमेंट का बना होगा, तो यहाँ क्या पाए जाएंगे, 5 पेयर अपेंडेजेस पाए जाएंगे, सिफेलिक अपेंडेजेस कितने होंगे, 5 पेयर होंगे। कौन कौन से, आइए इनके नाम जान लेते हैं। पहला है एंटीन्यूल, दूसरा है एंटीना, तीसरा है मैंडिबल्स, चौथा है मैजिलुला, मैजिलुला और पांचवा है मैजिला। ठीक, एक है तो मैगिला, दो रहेगा तो क्या रहेंगे, मैगिली, ऐसे एक है तो मैगिल्यूला और दो रहेंगे तो मैगिल्यूली हो जाएगा। मैंडिबल्स तो ऑलरेडी लिख दिया, एंटीनी हो जाता है और एंटी न्यूल्स तो है ही। तो इस तरीके से 5 पाए जाते हैं, एंटी न्यूल्स, एंटीना, मैंडिबल, मैगिला, सॉरी मैगिल्यूला और मैगिला, ये 5 लेटरल अपेंडेजेस इसमें पाए जाते हैं, जिसमें से ये दोनों क्या होते हैं, प्री ओरल होते हैं। यानी प्री ओरल मतलब ये जो माउथ का छिद्र होता है वो माउथ के बाहर पाए जाते हैं, यानी जो माउथ की इसकी ओपनिंग होती है, माउथ के अंदर ना हो करके ये माउथ के बाहर दोनों पाए जाते हैं, बाहर से दिखाई देते हैं। बाकी ये तीनों जो होते हैं ये माउथ के अंदर पाए जाते हैं और इनका काम क्या होता है, भोजन को चबाना। और बाकी इन दोनों का काम क्या होता है, ये दोनों टेक्टाइल इन नेचर होते हैं, यानी ये फूड को या किसी चीज को टच करके फील करने का काम करते हैं। और बाकी ये क्या करते हैं, भोजन को चबाने का, भोजन को हिलाने डुलाने का कार्य करते हैं। तो ये एक एक के बारे में हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस आप नाम याद रखिएगा, सिक्वेंस याद रखिएगा और थोड़ा सा फंक्शन क्या होता है, ये थोड़ी थोड़ी चीजें ही इसके बारे में याद रखते हैं। तो अगर जैसे हम देखें इसके बारे में, पहले एंटीन्यूल के बारे में देखें तो एंटीन्यूल जो होता है वो आई, जो इसकी आईस होती है, आईस के जस्ट ये नीचे होता है, बेस ऑफ आई पे होता है। ठीक, दूसरा पॉइंट इसके बारे में देखें तो ये टेक्टाइल फंक्शन होता है, टेक्टाइल इन फंक्शन। तीसरा पॉइंट आप इसके बारे में देखेंगे तो इसमें 2 सेगमेंट होता है, कॉक्सा और बेसिस, ये 2 सेगमेंट से मिलकर के बना होता है। एंटीनी की बात करें तो एंटीनी में देखेंगे तो क्या होता है, ये एंटीन्यूल के जस्ट नीचे होता है, ये भी क्या होता है, टेक्टाइल इन फंक्शन होता है। इसके अलावा ये स्केटरी इन फंक्शन होता है, क्योंकि यहीं पर हमने देखा था रीनल अपर्चर खुलता है। अब कॉक्सा और बेसिस ये भी इसी में पाए जाते हैं, इसमें ये भी एक। फिर आइए मैंडिबल्स के बारे में देखते हैं। मैंडिबल जैसा कि हमने बताया कि माउथ के अंदर पाया जाता है, तो माउथ के दोनों साइड क्या होते हैं, एक एक अपेंडेजेस पाए जाते हैं। इनमें भी क्या होता है, कॉक्सा होता है, बेसिस होता है, यानी ये 2 ही सेगमेंट इसके होते हैं। और ये इसका काम क्या होता है, भोजन को चबाने का, यानी ये क्या होता है, मैस्टिकेटरी फंक्शन,
मेस्टिकेटरी इनफंक्शन, मेस्टिकेशन मतलब होता है भोजन को चबाना, तो ये होता है मेस्टिकेटरी इनफंक्शन। फिर मैगिली और मैगिल्यूली की बात करें तो ये क्या करते हैं, बस इनका काम होता है मैनिपुलेशन ऑफ फूड, यानी जब ये भोजन चबा रहा है उसको इधर उधर पलटने का काम किसका होता है, मैगिल्यूली और मैगिला का। अगर इनमें देखिए, इनमें भी कॉक्सा होता है, बेसिस होता है, स्टीएम होता है, दो एक्स्ट्रा सेगमेंट इसमें पाए जाते हैं, इंडोपोडाइट और इपिपोडाइट। इंडोपोडाइट और इक्विपोडाइट, ये दो सेगमेंट एक्स्ट्रा इसमें पाए जाते हैं, इंडोपोडाइट और इपिपोडाइट, सॉरी इंडोपोडाइट और इक्विपोडाइट। तो ये दो सेगमेंट क्या होते हैं इसमें एक्स्ट्रा पाए जाते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि पांच कौन कौन से हो गए, एंटीन्यूल, एंटीना, मैंडिबस, मैगिल्यूला और मैगिला। ये दोनों प्री ओरल होते हैं, ये तीनों पोस्ट ओरल होते हैं। ये दोनों बेसिकली क्या होता है, टेक्टाइल इन नेचर होते हैं, माउथ के बाहर होते हैं, और ये तीनों क्या होते हैं, फूड को चबाने का और उसको उलटने पटने का कार्य करते हैं। अब आइए हम थोरेसिक अपेंडिजेस का देख लेते हैं। तो थोरेसिक अपेंडिजेस जैसे कि हमने बताया आठ होते हैं, थोरेसिक अपेंडिजेस कितने होंगे, आठ। थोरेसिक अपेंडिजेस थोड़ा सा बड़ा ही लिखते हैं, थोरेसिक अपेंडिजेस ये आठ पेयर होते हैं, जिसमें से तीन पेयर क्या होता है, मैगिली पेयर्स होते हैं, मैगिली पेयर्स। ये मैगिली पेड्स क्या होते हैं, ये पैडल की तरह कार्य करते हैं, पैडल यानी चप्पू की तरह कार्य करते हैं, जो कि इसको तैरने में, पानी में तैरने में मदद करते हैं। और प्लस फाइव पेयर इसमें क्या होते हैं, वॉकिंग लेग होते हैं। तो थ्री पेयर इसमें क्या होते हैं, मैगिली पेड्स होते हैं, और फाइव पेयर इसमें क्या होते हैं, वॉकिंग लेग होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम किसके बारे में देखते हैं, मैगिली पेड्स के बारे में। तो मैगिली पेड़ की संरचना भी जैसा अभी हमने देखा, मैगिला और मैगिली की तरह ही थोड़ी सी होती है, सेम सेगमेंट पाए जाते हैं, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा चीज पाई जाती है, इपिपोडाइट। इपिपोडाइट क्या होता है, इपिपोडाइट जो होता है ये काफी वैस्कुलर होता है, तो ये हेल्प करता है रिस्पायरेशन में। अगर पहला मैगिली पेड़ देखेंगे तो उसमें क्या होगा, कॉक्सा होगा, बेसिस होगा, एंडोपोडाइट होगा, इक्विपोडाइट होगा, और एक एक्स्ट्रा चीज होगा इपिपोडाइट। दूसरा देखेंगे, लेकिन दूसरा सेगमेंट क्या होता है, दूसरा मैगिली पेड क्या होता है, थोड़ा सा और डेवलप होता है, उसका उसमें क्या होता है, सात सेगमेंट होंगे, कॉक्सा होगा, बेसिस होगा, मीरस होगा, स्टीयम होगा, कार्पस होगा, प्रोफोडस होगा और डेक्टाइलस होगा। ये सात सेगमेंट का बना होगा कौन सा, दूसरा इसका मैगिली पेड। इसके अलावा उसमें क्या होगा, इपिपोडाइट भी होगा और गिल्स भी होगा। देखिए ये सब बोरिंग चीजें हैं, ज्यादा इसमें कुछ याद करने लायक नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि ये प्राण जो है वो कितने सेगमेंट का बना होता है, 19 सेगमेंट का बनता है, तो 19 पेयर इसमें क्या होंगे, अपेंडिजेस पाए जाएंगे, कितना सिफेलिक है, कितना थोरेसिक है और कितना एब्डोमिनल है, ये याद रखना है। जो हमने सिफेलिक बताया, पांचों का नाम याद रखना है, पांचों का कार्य याद करना है। अब थोरेसिक बता रहे हैं, थोरेसिक में ही भी हमने बताया कि तीन मैगिली पेयर्स होते हैं पेयर, और पांच पेयर क्या होते हैं, वॉकिंग लेग होते हैं। मैगिली पेयर्स का काम क्या होता है, पैडल का काम होता है ये, यानी इसको तैरने में सहायता करता है। और इसमें कौन कौन सेगमेंट पाया जाएगा, तो जो पहला पहला मैगिली पेयर्स होगा उसमें कॉक्सा होगा, बेसिस होगा, इसके अलावा इप्सोपोडाइट और इंडोपोडाइट होगा और इपिपोडाइट होगा। लेकिन जो दूसरा होगा उसमें ये सात सेगमेंट होंगे, उनका ये क्रम होगा, ठीक। लेकिन इस
चीएम होगा, एसटीएम के बाद मीरस आएगा, ठीक। कॉक्सटा, बेसिस, एसटीएम, फिर मीरस, फिर कार्पस, फिर प्रोपोडस, फिर डिक्टाइलस, ये सात उसमें क्रम से होंगे। इसके अलावा ईपी, पोडाइट्स होगा और गिल होगा। मैंने यहाँ एक चीज एक्स्ट्रा आ गई कि गिल्स भी होगा। तीसरे सेगमेंट की बात करें, तीसरे में भी क्या होगा, ईपी पोडाइट्स होगा, लेकिन तीसरे में गिल्स नहीं होगा। और तीसरे में क्या होता है कि मीरस और कार्पस आपस में फ्यूज होते हैं। तो ये चीज आप याद करना चाहे या ना करना चाहे कोई बात नहीं, लेकिन इतना याद करेंगे कि जो दूसरा सेगमेंट होता है उसमें सातों सेगमेंट होते, जो दूसरा अपेंडेजेस होता है उसमें सात सेगमेंट होते हैं। इसके अलावा ईपी पोडाइट होता है और गिल होता है। तो गिल किस में होते हैं, दूसरे में होते हैं। और ये नॉर्मली याद रखना है कि जो ईपी पोडाइट होता है वो केवल फाइगली पेयर्स में ही पाया जाता है, बाकी के जो अभी हमें अपेंडेजेस पढ़े पांचों उसमें नहीं पाया जाएगा। इसके बाद के वॉकिंग लेग देखेंगे तो उसमें भी नहीं पाया जाएगा। तो आपको ये चीज याद रखना है, ईपी पोडाइट जो होता है वो केवल और केवल कहाँ पाया जाता है, मैग्जिलरी पेयर्स पे पाया जाता है। तो तीन जितने मैग्जिलरी पेयर्स होंगे तीन पेयर, और तीन पेयर ईपी पोडाइट भी होते हैं। और ईपी पोडाइट तो मैग्जिलरी पेयर्स का कार्य क्या होता है, जैसे कि हमने बताया कि ये क्या होते हैं, पैडल की तरह कार्य करते हैं। सॉरी, ये पैडल की तरह कार्य नहीं करते, इनका काम होता है बस फूड को होल्ड करने का। इसके बाद का जो हम सेगमेंट देखेंगे एब्डोमिनल सेगमेंट, वहां का वो काम करते हैं तैरने का। ये बस क्या करते हैं, फूड को पकड़ने का कार्य करते हैं, होल्ड द फूड। तो जब ये भोजन को चबा रहा होता है उस समय भोजन को सही पोजीशन पर रखने का काम कौन करते हैं, मैग्जिलरी पेयर्स करते हैं। तो इस चीज को आप इम्प्रूव कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आइए हम देखते हैं वॉकिंग लेग देते हैं। वॉकिंग लेग जाहिर सी बात है किसके लिए होंगे, चलने के लिए होंगे। तो इसमें से जो पांच पेयर वॉकिंग लेग होते हैं, पहले के जो दो पेयर होते हैं उसको हम कहते हैं चिलिएट लेग। उसको क्या कहते हैं, चिलिएट लेग्स कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो प्रोपोडस होता है, फिर उसके बाद हमने बताया डिक्टाइलस सेगमेंट होता है, तो इसका जो प्रोपोडस होता है ये काफी बड़ा होता है, इस तरीके से बढ़ करके डिक्टाइलस तक आ जाता है। तो ये हो गया डिक्टाइलस इसका सेगमेंट। तो दोनों क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और एक चिमटे जैसी संरचना बना लेते हैं। तो ये क्या करता है, ये ऑर्गन ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस हो जाता है, यानी ये दूसरे एनिमल से इसको बचाने के लिए और उस पर आक्रमण करने का काम आता है, पहला लेग और दूसरा लेग। तो काफी मजबूत भी होता है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, चिलिएट लेग कहा जाता है पहले और दूसरे पेयर को। बाकी के रेस्ट के जो तीन पेयर होते हैं उन्हें कहा जाता है नॉन चिलिएट लेग। इसमें भी अगर सेगमेंट देखे तो चिलिएट लेग्स में या हम कहें वॉकिंग लेग में और मैग्जिलरी पेयर्स में क्या अंतर होता है, तो उनमें जो होता है अंतर होता है वो साइज का अंतर होता है कि जो लेग्स होते हैं वो लंबे होते हैं। दूसरा अंतर ये होता है कि यहाँ पर ईपी पोडाइट, इंडो पोडाइट या फिर इक्सो पोडाइट, ये तीनों पोडाइट इसमें नहीं पाए जाते। इसमें केवल यही सात सेगमेंट जो हमने लिखा था वो एक सीक्वेंस से पाए जाते हैं। और जो फर्स्ट के दो पेयर होते हैं उसमें प्रोपोडस जो होता है वो बड़ा होता है, डिक्टाइलस तक जा करके एक चीला जैसे यानी एक चिमटी जैसी संरचना बना लेता है। इसीलिए पहले दो पेयर को हम क्या कहते हैं, चिलिएट लेग कहते हैं, जो कि चलने में तो सहायता करते ही हैं, साथ ही साथ अपनी सुरक्षा और आक्रमण में भी सहायता करते हैं। तो ये सेगमेंट कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हमने बताया था कॉक्सा, बेसिस, इस्टियन, मीरस, कार्पस, प्रोपोडस, डिक्टाइलस। फिर उसके बाद हम देखें एब्डोमिनल में, तो एब्डोमिनल में क्या होता है कि पांच पेयर जो होते हैं वो प्लियोपोर्स होते हैं, पांच पेयर प्लियोपोर्स एब्डोमिनल अपेंडेजेस में, और एक पेयर क्या होता है, यूरोपोर्स होता है। यूरोपोर्स का काम क्या होता है कि जो लास्ट का इसका एक सेगमेंट होता है टेल्सन, जिसे सेगमेंट नहीं माना जाता, सेगमेंट जैसी संरचना होती है उसके साथ मिलकर के ये क्या बनाता है, टेल का निर्माण करता है। और बात करें प्लियोपोड का, तो प्लियोपोड जो होता है वो पैडल जैसी संरचना होती है जो कि किसमें मदद करती है, तैरने में मदद करती है। बाकी ये किस सेगमेंट से मिलकर के बना हुआ है ये याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको बस सबका नाम याद रखना है और सबका कार्य याद करना है और एक दो सेगमेंट याद कर लेने हैं, खास करके वॉकिंग लेग में कौन कौन से सेगमेंट पाए जाते हैं, किस सीक्वेंस में पाए जाते हैं, ये याद रखना है। जो अभी हमने सेगमेंट बताए वो सेगमेंट याद रखना चाहिए।
तभी और मैगली पेट कर लिए। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, इसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देख ली। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, फिजियोलॉजी, इसमें डाइजेशन, रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन सब देखना है। फिर इसका नेक्स्ट यानी टॉपिक देखेंगे रिप्रोडक्शन, और उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, इकाइनोडर्मेटा पढ़ना है। तो कल आपका प्लान खत्म हो जाएगा, उसके बाद इकाइनोडर्मेटा शुरू होगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।